Berlomba. Kau pak rai ya, kali ini. ठेपिया पकड़ाया जे ये लेडीज का था सेफ 3 मीटर के अराउंड तक छापेमारी हुआ और कितने मात्रा में बरामद हुई है और कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? कल हमें सूचना मिली कि कदमा थाना अंतर्गत जो ग्रीन पार्क है वहाँ पे फ्लैट नंबर A/29 में नकली शराब बनाने का कारोबार चल रहा है। इसी को फिर हम लोग सत्यापित करते हुए आज सुबह वहाँ पे छापामारी किए हैं। छापामारी में आपका नकली शराब बनाने का ढेर सारा सामान बरामद हुआ है। तकरीबन 40 लीटर स्प्रिट है, 3 लीटर कैरामल है जो कलरिंग का काम करता है, PLA है और जिन ब्रांड का स्टिकर है और ढक्कन है। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं इसको आप? इसको हम लोग अच्छी सफलता मानते हैं क्योंकि ये सारा यूज तो आखिर नकली शराब बनाने में ही हो जाता, लेकिन हम लोग इसको बनाने से पहले ही सारा जो है रिकवरी करते हैं। शहर के इस तरह के शहर में इस तरह के कारोबार हो रहा है, इस पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है और कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? इधर नकली शराब तो पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसको क्योंकि केमिकल एनालिसिस नहीं होता है, ये अपना स्तर से लोग बनाते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए कुछ ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? अपने स्तर से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है उस पर हम कार्रवाई तो कर रहे हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट हमेशा इस पर अपना काम करता है। अगर आप लोग को भी इस प्रकार की जानकारी मिलती है तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इसको तुरंत आप बताएं ताकि हम लोग फिर इसका कार्रवाई करें। इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? एक महिला को हम लोग पूछताछ के लिए लेकर के आए हैं, बगल वाली है, उनका शायद परिसर है, मकान परिसर है, अगर उनकी संयुक्त मिलती है तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसके द्वारा संचालित किया जा रहा था, कोई जानकारी हो पाया? एक राकेश करके एक आदमी का नाम सामने आ रहा है। कुछ महीने पहले हम लोग एक बिस्तीपुर में छापामारी किए थे, वहाँ पे भी उसी का नाम सामने आ रहा था, उसके भी हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी चार्जशीट किए हैं और इस केस में भी उस पर हम लोग चार्जशीट करके उसको गिरफ्तारी के लिए वारंट पे करेंगे।